बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल ते विद्वान दोस्तों, मेरा बोलन का विषय जिहड़ा है वह भाषा प्राप्ति के आधार तत् ते भाषाई अपंगता है। मनुखी भाषा की प्राप्ति लई बुद्धिमानता की बजाय मनुख का मनुख होना ही सब तो पहला कदम है। शरीर विज्ञानक पक्षों साह नली का एलाकार का होना मनुखी भाषा की उत्पत्ति का आधार तत्व है, जिस विच मौजूद नाल तंत्रियां फेफड़िया विच आउंदी श्वास धारा नूं रोक के गूंज तो बाद फिर उसनों भाषा बनन लई प्रेरित करदियां हन। इस आधार के उत्ते अरस्तू ने जानवरां दी भाषा ते मनुखी भाषा दे विच निखेड़ा स्थापित किया सी, जिसनों वह स्पीच और भाषा दे विच डिफाइन करता सी। सीएफ हॉकेट ने उस तो फिर प्रेरणा लैके मनुखी भाषा ते पशु भाषा दे विच निखेड़ा स्थापित किया सी। जन्म तो ही मनुखी बच्चे कोल भाषा सीखण अते वरतण लई लोड़ींदियां तंतवी योगतावां मौजूद हुंदियां हन। भाषा का विकास जन्म तो पूर्व अर्थात माँ के गर्भ तो ही प्रारंभ हो जाता है। 5 महीने का भ्रूण भी कुछ खास प्रकार दीआं आवाज़ां और कुछ खास तरह के स्पर्शां प्रति प्रतिक्रिया करता है, जिसनों लुई मैकनील पूर्व प्रार्थनावां का नाम दिंदा है। मुढ़लियाँ उसदियाँ जमंदरू प्रतिक्रियावां समुची उकसाहट रुलाउणा रोना कुरलाउणा और उस जिहड़ा सारा कुछ कुर कुर और कूकू की आवाज़ जिहड़ी उत्पन्न हुंदी है, और इस तो नाल ही जिहड़ी असीं कहीए कि जिहड़ी बच्चे की पहली चीक हुंदी आ वह जन्म धक्के की प्रति भी प्रतिक्रिया होंगी है। इस तो आधार के उत्ते फिर हौली हौली वह क्रियावान जिहड़ियां हैगियां जिहड़ियां आवाज़ा हैगियां आ वह सुखमई ते दुखमई प्रति आवाज़ा दे विच वह वंडियां जांदियां हन। आरंभिक स्पीच बेशक घट बौद्धिक हुंदी है पर गुंझलदार पठ्ठियां दा तालमेल सम्मिलित हुंदा है। इस करके नवजात जब चीखता है तो वह चेहरे हत्थां लत्तां समेत सारे शरीर का इस्तेमाल करता है। इस समय दौरान बच्चा शरीरक मानसिक तौर पर परिपक्व हो रहा रहिंदा है। जीवन के पहले महीने दौरान जब बच्चा साह कढ़न ते खिंचन समय चीखता है जो क्राई ब्रीथिंग कहाउंदा है, उस समय ही स्वरीकरण शुरू हो जाता है। इस करके बहुत जिहड़े भाषा विज्ञानी आ वह मुख्य तौर पर जिहड़ा फोकस हैगा भाषा का पहला जिहड़ा पड़ा हैगा आ वह सुर लहर नूं प्रस्तावित करदे आ, क्योंकि सुर लहर के दौरान ही एक बच्चा जिहड़ा आ वह भाषा उत्ते कंट्रोल करना प्राप्त करता है। इनोटेशन राही ही उन्हें कंट्रोल करन की कोशिश करता है। इस तो अगली अवस्था जिहड़ी बुड़बुड़ाउण दी अवस्था है, जो निरंतर कुछ उच्चारखंडा स्वरों नूं निरंतर बुड़बुड़ाउंदा है, जिसनों रीडुप्लीकेशन कहा जाता है। इस ते पहुँच के बच्चा आम तौर पर उन्हां धुनियां नूं टारगेट करता है जिहड़ियां उन्हों उसके उच्चारण के बिल्कुल लागे दीआं धुनियां हुंदियां हन। तो इस अवस्था के दौरान ही क्रियात्मक श्रवणी प्रतिपुष्टि लूप काइनस्थेटिक ऑडिटरी फीडबैक लूप की डिवेलपमेंट हुंदी है। जेकर यह डिवेलपमेंट लूप जिहड़ा है जिहड़ा फीडबैक लूप जे कि ना कि प्रोग्रेस होण तो जां विकास करन तो रह जाता है तो बच्चे का बोला होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि वह अनुक्रियावां राही जिहड़ियां धुनियां नूं सिखदा है जां सुनदा है उन्हों अनुक्रिया करके बोलन की कोशिश करता है। जेकर वह नहीं सुन पाता उहदे प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता तो उहदे बोले होण करके फिर अगे प्रोसैस जिहड़ा आ उहदा भाषा सीखण दा प्रोसैस जिहड़ा उहदे च ठरमा आ जांदा आ रोक आ जांदी है। लगभग 12वें महीने के दौरान शिशु अजिहियां धुनियां दा अनुकरण करना शुरू कर दिंदा है जिहड़ियां उसदियां अपनियां आवाज़ां दे नेड़े हुंदियां हन। भाषा मनोविज्ञानी इस अवस्था नूं इकलोलिया दा नां दिंदे हन। इस समय दौरान ही मुढ़ले शब्दों की वरतों और नवीन धुनि पैटर्न घड़न विच दिलचस्पी लैंदा है, तो उस द्वारा घड़े गई धुनिया जां कुछ इहो जिहे शब्द वह बच्चे का कोई स्वै जागरण कहाउंदे हन। तो संचार लई पहले वरते गए शब्द जिहड़े आ उन्हां नूं असीं होलोफ्रास्टिक दे दा नाम दे दित्ते जांदे हन, जिन्हां विच मुख तौर ते कुछ नाम शब्द विशेषण अते उसदे कुछ स्वै जागरण शामिल हुंदे हन। भाषा प्राप्ति के समुचे विकास में लिखता रोजर ब्राउन लिखता है कि बच्चा नकल तो सीखने तो इलावा जिस भाषा को सुनता उसे विचों लुप्त साधारण नियमों को कढ़ लैंदा है तो ज्ञान प्राप्ति होने पर वह भाषा की सही वरतों करने के योग हो जाता है। जिहड़े वाक कदे सुने नहीं होंदे उन्हां दी सिरजना कर लैंदा है तो जिहड़ा प्रवाह आ निरंतर चलता रहिंदा है। सो स्पष्ट है कि भाषा के सीखने दौरान बच्चा जिहड़ा आ बहुत सारिया स्टेजस दे विचों लंघदा आ, पर उहदे विच कुछ बैरियर आंदे आ कुछ अवस्थावां आउंदियां, जिस तरह जो तुरंत की अवस्था होंदी है खास तौर पर जो 9 महीने तो 18 महीने दौरान तुरंत की अवस्था के हुंदा आ उदों भाषा दे विच थोड़ी जी रुकावट आ जाती है, क्योंकि उस टाइम उहदी दिलचस्पी जिहड़ी आ बोलन की बजाय तुरंत वल वधेरे हुंदी है। आम तौर पर असीं यह भी कह सकते हैं कि जे कहा जाए कि कोई बुलारा जिहड़ा आ स्पष्ट तौर के उत्ते जिहड़ा स्पष्ट बोलता आ वह भी पूर्ण तौर पर स्पष्ट नहीं बोलता, उहदे विच कुछ अशुद्ध उच्चारण हुंदा आ, कई बार वह बोलन लगा झिझकदा आ ते कई बार अधूरे ते अव्याकरणक वाक बोलता आ। अजिहे छोटे दर्जे के दोषां नूं असीं बोल अपंगता जां भाषाई अपंगता के रूप में नहीं स्वीकार सकते। वॉन रिपर यह मानता है कि स्पीच में रोक उदों लगती है जदों वह संचार में रुकावट पाती है, जिस कारण संबंधित व्यक्ति असमयोजित महसूस करता है और वह खुद वल सारा ध्यान केंद्रित कर लैंदा है। बोलां दे प्राहण विच स्पष्ट उच्चारण वहाओ आवाज़ और भाषा की वरतों आदि के दोष शामिल होंदे हन।
इस दे आधार के उत्ते उच्चारण विधि संचार शास्त्र अते स्रोतियां द्वारा महसूस की समगरी के आधार पर असी भाषाई अपंगता दियां कुछ कैटागरियां बनाईआं आ जिन्हां विचों फस्ट है विलंबित स्पीच अते भाषा। साधारण बच्चे तकरीबन 1 साल की उम्र के मुढ़ले जारगन का उच्चारण करते हैं। स्पष्ट उच्चारण की योग्यता के नाल भाषा की समझ के उत्पादन में वाधा होता है। 8 साल की उम्र के होने के बच्चे बहुत सारे बहुत गिनती तकरीबन सब धुनिया का स्पष्ट उच्चारण करना सीख लेंगे। भाषा रोग विज्ञानियों का मानना है कि बच्चे जो ज़्यादा गलबात नहीं करते ज मुढ़ली स्पीच आदत का पैटर्न बरकरार रखते हैं विलंबित स्पीच रोगियों की श्रेणी में आते हैं। दरअसल विलंबित स्पीच अपने आप एक अस्पष्ट धारणा हैगी है। वॉन रिपर यह मानता है कि विलंबित बोल ज भाषा के कई कारण हो सकते हैं जिन्हों में मानसिक प्रतिबंध सुनने की घाट रोग ज अधरंग के सिट्टे वजो नाकस तालमेल बचपन दौरान लंबी बीमारी स्पीच की प्रेरणा की घाट मापिया द्वारा अपनाई गई अध्यापन प्रणाली के अनुचित ढंग रलगढ़ हथ तरजीह इको समय दो जां दो तो वध भाषावां सीखना बोलन क्रिया दौरान गड़बड़ अते भावात्मक संघर्ष आदि ये जिहड़े उहदे विच शामिल हो सकते हैं। दूसरा है स्पष्ट उच्चारण संबंधी दोष। 3 साल होने उपरंत बच्चा हल्कियां त्रुटियां समेत काफ़ी धुनिया उच्चारण करन दे समर्थ हो जाता है। साधारण तौर पर अशुद्ध उच्चारण वह हुंदा है जो किसी धुनि ग्राम नूं निर्धारित किए स्पष्टता के पैमाने उत्ते पूरा नहीं उतर पाता। जिहड़े वड्डी उम्र के बच्चे जां बालक अशुद्ध उच्चारण करते हैं अक्सर वह फोनीम छड्डन जां फोनीम टपला खा के फोनीमिक प्रस्तापन की बजाय तोर मुड़ वधेरे करते हैं। तो इस ही आधार के उत्ते स्पीच चिकित्सा के स्पीच थैरेपी के इनू असी थथलाहट जां हकलाहट वर्गे बोल विकार कह देंदे हैं। थथलाहट के प्रगटावे अंदर वहाओ की खलबली और स्पीच की रवानगी विच रुकावट जां अड़िका खलबली पूर्ण दोहराओ ते धुनिया का अस्पष्ट लमका शामिल हुंदा है। हकलाहट की विशेषता बेकाबू रफ्तार कारण कट्टे वड्डे अणजुड़े और कू बहाव वाले बोल जिहड़े आ उह शामिल हुंदे हन। तीसरा है आवाज़ संबंधी दोष। इस अधीन आवाज़ की पूर्ण तौर पर घाट तो बिना सुर की उतराई चढ़ाई भाव पिच भरमापरण नातंत्र की पूर्णता और अंशक गतिहीनता और स्वर अवगुण दस्यावान शामिल होंदिया हैं। इन्हों के आधार पर आवाज़ वाले दोष के मुख्य वर्ग नासकी सुरसुराहट भरी बैठी हुई भारी रुखी इत्यादि। इतने स्वर अवगुण के दोष का अर्थ अजिहा उच्चारण है जो सुनने की अस्पष्टता पैदा करता है और बुलारे के संदेश तो सुनने वाले की एकाग्रता संजीदगी भंग करता है। आवाज़ विचला घगापन मानसिक बेचैनी संबंधित हो जा सकता है जबकि बोलहीनता मनोशरीरक हो सकती है। आवाज़ संबंधी समस्यावान उत्पन्न कारण कई बार घटिया स्पीचा के प्रतिरूप का अनुकरण हो सकता है। मनोविज्ञानिक समायोजन किशोर की आवाज़ का परिवर्तन साह लैन दी निकम्मिया आदतां कंठी रोग अधरंग गले संबंधी रुकावटां इस दे प्रमुख कारण हो सकते हैं। चौथा है वहाओ संबंधी दोष। इस अधीन दोहराओ लमका जां हिचकिचाहट नूं रख्या जा सकता है जो मुख्य रूप विच धुनिया शब्दां जां वाकंशां ते आधारित हुंदे हन। वहाओ दे विघन दा कारण मूँह बनाउण दीआं क्रियावां चेहरे के पठ्ठियां का तनाव और होर शरीरक हरकत का बुलारे के नकारात्मक वतीरे और डर का हो सकते हैं। स्पीच डिसरिदमसिया अजिहे विकार हैं जो कि स्वासी और उच्चारण संबंधी पठ्ठिया की क्रियाशीलता विचकार तालमेल की खराबी हो जाने कारण हुंदे हन। इसका आम प्रगटावा हिचकिचाहट हकलाहट और उच्चारखंडा के बेलोड़े लमका द्वारा हुंदा है। सो ये कुछ जिहड़े भाषाई दोष हैगे आ उच्चारण के संबंध में बच्चे की सीखण प्रक्रिया के कुछ इहोजे उन्होंने कैटागराइज़ करने की कोशिश की गई है। तो उच्चारण श्रवण और संचार दी समस्या तो इलावा कुछ जिस्मानी स्पीच विकार भी होंदे हन जिन्हां विचों पाटक तालू की हालत अते नाकस शरीर रचना कैंसर की चीरफाड़ जीभ जां घंडी का नुक्स हो जाना सैरीबरल अधरंग अते नाड़ी पेशा कंट्रोल का घट जाना नाद यंत्र ते गठिया जां नसूर पैदा होने वाले मौखिक प्रभाव हैं। तो इस दे नाल ही इन्हां तो बिना कुछ होर जिस्मानी अंगिक असाधारणतावां जिवें दंदा का ना होना जीव जां जीभ नोक का असाधारण आकार विच वड्डा होना मानसिक घाटा जिवें कि स्पीच प्रति उत्तेजना की घाट भावात्मक बेचैनी अनुकरण लई स्पीच के चंगे प्रतिरूपा की अनुपलब्धता मानसिक प्रतिबिंब और सूत्रीकरण के दोष जिहड़े आ इहदे विच आम तौर ते शामिल हुंदे हन। थैंक यू।